सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। नारजी पहले के जन्म में एक दासी के पुत्र थे और मेरे पिताजी बचपन में मुझे छोड़ के मर गए। मेरी माँ विधवा हो गई, मैं मात्र 2-4-5 वर्ष का था, मात्र 2-4-5 वर्ष का। तो मेरी माँ बस मुझे संतों के पास इधर उधर ले जाती और ले जा करके संतों की सेवा करती इधर उधर। संतों की बात जो मुझे उच्च प्रसादी मिल जाती, उसी से हमारा दोनों का गुजारा चल रहा था। एक दिन हमारे गांव में महात्मा कहीं से चतुर्मास करने के लिए आए। अषाढ़, सावन, भादो, क्वार ये 4 महीने जो होते हैं चौमासे के होते हैं। इनमें महात्मा संत प्राय एक ही जगह रहते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं। शंकराचार्य जी चतुर्मास करते हैं, हमारे संत लोग वैष्णव लोग भी चतुर्मास करते हैं, महाराज हमने सुना जैनी भी चतुर्मास करते हैं। हाँ, कहते हैं जैनी बड़े नियम से कठोरता से करते हैं। सायंकाल सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेते हैं और पूरे 24 घंटे में एक टाइम भोजन करते हैं, वो एक जगह बैठ कर के जितना भी। 4 महीने कंद मूल फल कुछ नहीं खाते, उनका अपना भाव है। पर कहने का मतलब चतुर्मास एक जगह बैठ कर के संत हमारे गांव में आए। अब जहां संत महात्मा होते हैं वहां सत्संग भी होता है, भजन भी होता है, कीर्तन भी होता है, होता कि नहीं होता। नारद जी कहते हैं हमारे गांव में भी संत आए, मेरी माँ सेवा करती थी। क्या सेवा करती थी? झाड़ू लगा देती थी, जल छिड़क देती थी, लकड़ी माने शमदा ला करके हवन के लिए रख देती थी। मैं भी माँ के साथ पीछे 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 डोलता रहता था। छोटे छोटे बालक होते हैं ना तो महात्मा उनका बढ़िया बढ़िया नाम रख देते हैं। आप लोग तो ऐसा नाम रखते हो ना, राधे गोविंद भजो। घर में समझ में नहीं आता ये बच्चे को बुला रहे हैं कि कुत्ते को बुला रहे हैं। कई कई जगह शीटू, और हमने कुत्ते का नाम भी शीटू देखा है, चीकू है, हीरा, कई कई जगह होते हैं। तो ऐसा नहीं, नाम महात्माओं की परंपरा। क्या नाम रखते हैं? जैसे दास का नाम पूज्य गुरुदेव ने रखा ना, वेणुगोपाल दास, जो बंसी बजाने वाले ठाकुर जी, हम तो उनके सेवक हैं। किसी का रामदास, किसी का गोविंद दास, गोपाल दास, माधव दास, ये संतों के नाम होते हैं। महाराज कहते हैं, नारद जी कहने लगे, महात्मा मुझे कहने लगे, रामदास जी 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 गुरुदेव, बेटा यहां बैठो, थोड़ी सी समदा में ला के दे दो। मैं ला के दे देता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, संतों की सेवा में मेरा मन लगने लगा। सुख की घड़ी कब गुजर जाती है खबर भी नहीं लगती। हकीकत है आज 3रा दिन है कथा का, उत्सव का 3रा दिन है, और हमारी बहन जी 1 महीने से तैयारी कर रही हैं। कौन ऐसा है, कैसे ये कैसे होगा, ये क्या तैयारी करें, और कल के बाद मात्र 3 दिन रह जाएंगे। तो सुख की समय कब गुजरता है खबर नहीं पड़ती है। अच्छी चीज का मुहूर्त जिस दिन आ जाए तो ऐसा लगता है वो आ गया, कोई खबर नहीं लगती। लेकिन जब तक मुहूर्त नहीं आता है तब, और बुरी चीज मरा कहते हैं, अंधेरी रात तो गुजारे नहीं गुजरती, अंधेरी रात तो बिल्कुल नहीं गुजरती। नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। महाराज 4 महीने जब पूरे होने लगे, चतुर्मास के पूरे 4 महीने होने लगे, तो महात्मा जाने लगे, तो मेरा मन भी उनके संग जाने के लिए हुआ। वास्तव में होता है, हम लोग बाहर कथा करने जाते हैं ना तो लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन कर रहा है हम तुम्हारे साथ ही वृंदावन चले। हमने कहा मैया ये अभी तक है, हम निकले और दुकान पे गए, बस जब सामने ग्राहक दिखेगा ना सब भूल जाए। पर होता है जब तक मन में ये आए कि हमें जो है कथा सुन रहे हैं। अब आप लोगों को लगता है ना, माताएं कहती है महाराज जी ऐसा लगता है यही वृंदावन रह जाए, संतों के संग रहने पर यही होता है, संतों के साथ यही होता है, और क्या। मेरा भी मन करने लगा, जाओ कल लोग कह रहे हैं तो खड़े इंतजार क्यों करते हो, मेरा भी मन यही करता है मैं भी आपके साथ जाऊं, आपके साथ रहूं। पर महाराज वो संत कहने लगे, बोले जैसे भी हो तुम्हारी जब तक माँ है ना तब तक तुम घर में रहो भैया, क्योंकि माँ के केवल अकेले तुम ही तो हो, दूसरा कोई नहीं है। संत तो चले गए,
जाते जाते इतनी कृपा कर गए, मेरे गले में कंठी पहना करके मुझे नाम दान दे गए। जीवन में नाम दान का बहुत बड़ा महत्व है, निगोरा नहीं रहना चाहिए, जरूर नाम दान रहना चाहिए। बिना दीक्षा के तो महाराज भगवान ब्रह्मा भगवान भोलेनाथ का भी उद्धार नहीं होता है। बिना गुरु के तो विधाता ब्रह्मा भोलेनाथ भी चाहे हम तर जाए नहीं तर सकते भैया, बिल्कुल नहीं तर सकते, उनका भी उद्धार नहीं होता है। इसलिए जीवन में गुरु बनाना भी बहुत जरूरी है। गुरु का मतलब क्या होता है? गोकारो अंधकार शत्रुकारो त्वन निरोधका। संसार ये भव संसार जो अंधकार रूपी संसार है ना, इसमें हम जो फंसे हैं इससे निकाल करके हमें भगवान के प्रकाश में जो खड़ा करते उससे गुरु कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे, ये गुरु होते हैं। नारद जी कहने लगे वो हमारे कान में हमें गुरु मंत्र दे के गए, द्वादश अक्षर गुरु मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र किसी भी संप्रदाय का नहीं है, ये संपूर्ण संप्रदायों का मंत्र है। नारद जी कह रहे मैं इस मंत्र का जप करता था और मेरी माँ यही सोचती थी कब मेरा ब्याह हो जाए। मैंने मनी मन सोचा मैया शादी की सोच रही है, विवाह हो गया, अभी माता जी की जाने की सोच रहे हैं, घर में श्रीमती आ जाएंगी तो और फंस जाएंगे चक्कर में। कई लोग कहते हैं ना महाराज मैं झंझटों से मुक्त हुआ। मैंने की कितनी झंझटों से, बस एक छोरा भी आ जाए फिर वो मुक्त हो जाएंगे। हमने कहा छोरा भी आ जाओगे मुक्त हो जाएगा? बोले हाँ। फिर जब छोरा भी आ जाएगा महाराज बहू घर में आ गई है, बस पोते का मुख देखूं और वृंदावन जाऊं। पोते का मुख देख लिया, बोले महाराज थोड़ा बड़ा हो जाए तो घर में पोते का भी विवाह हो जाए तो वृंदावन पहुंच जाऊंगा, कोई झंझट नहीं है। यही सबसे बड़ी झंझट है कि ये हो जाए, जो होगा सो देखा जाएगा। इन झंझटों से जो परे हो जाए, नारद जी महाराज ने विचार किया माँ की इंतजार कर रहा हूं फिर घरवाली का इंतजार करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा व्यास जी महाराज उसी समय क्या हुआ, मेरी माँ सायंकाल गौ दुहन के लिए गई थी, एक विषैले सर्प ने माँ को डसा, माँ का शरीर पूरा हो गया, माँ का भी मैंने संस्कार किया और संस्कार करते उत्तर दिशा की ओर चला गया। जल सरोवर में स्नान करके जलपान करके जैसे ही ध्यान करने बैठा तो मेरे हृदय में भगवान की सुंदर सी मूर्त आ गई। मैं तो प्रसन्न हो गया, भगवान मिल गए मुझे, आनंद आ गया, परमात्मा मिल गया मुझे, आनंद आ गए। उसी समय महाराज वो मूर्ति हृदय से निकल गई और जैसी मछली जल के बगैर तड़पती है ऐसी मैं तड़पने लगा बड़े जोर से। अरे अरे वो मूर्ति कहाँ चली गई, मैं कैसे जीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा। कहते हैं आकाशवाणी हुई नारद इस युग में तो नहीं, जब जब संसार विलय हो जाएगा पुनः सृष्टि की रचना होगी तब मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। नारद जी कहते हैं मैं भजन करता रहा करता रहा करता रहा और अब देखो आज मैं दासी पुत्र से ब्रह्मा जी का बेटा बना तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मेरे भगवान मेरे भजन से भगवान इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने मुझे इनाम में ये वीणा दी है। नारद जी के हाथ में वीणा है ना, देव दत्त इमाम वीणा सुर ब्रह्म विभूषिता आता हरि कथोद्गीता पुनाति भुवनत्रयम्। इमाम वीणा देवदत्तम, देव माने भगवान विष्णु, उन्होंने ये वीणा मुझे दान दिया खुश होकर के। क्यों? इस वीणा पे हमेशा मैं हरि नाम गाता रहता हूं। जब खुश आप स्कूल में जाओ पढ़ोगे लिखोगे और जब टीचर खुश होता है तो के इनाम देता ना शील्ड देता है, और भगवान खुश होते हैं तो अपना नाम दान दे देते हैं। तो नारद जी कहते हैं देखो संतों की कृपा से मैं दासी का बेटा जब ब्रह्म ऋषि मैं नारद बन सकता हूं तो आप क्या नहीं कर सकते हो। महाराज नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का दान दिया, चतुश्लोकी भागवत श्रवण करने के बाद व्यास जी ने उसी चार श्लोक की भागवत को 18,000 श्लोक बना के प्रकट कर दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
ये भागवत वही है, चार श्लोक के 18,000 श्लोक विस्तार कर दिया।